हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज वीकेंड में हम लोग एक एक्सेप्शन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आगे जाके मल्टी बैगर बन सके। तो अभी रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है फिलहाल, तो हम लोग आगे जाके जानेंगे। इसमें रिसेंटली MOU साइन किया, तो एक कंपनी का नाम है ITCON C Solutions Limited, एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है मैन पावर। और जो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ विद ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड, जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करने का एक काम मिला है इसको, अराउंड उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो एक दो उसका पहले भी उसको कंपनी को एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड के द्वारा भी एक 5.5 करोड़ का एक मैन पावर प्रोवाइड करने का एक ये भी मिला, टेंडर भी मिला था। वो टेंडर कंटिन्यू हो सकता है नेक्स्ट अगले 2 साल का भी कंटिन्यू हो सकता है। ये जो माइक्रो कैप कंपनी में क्या है, मेन चीज़ क्या है, उनका ऑर्डर तो अभी आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, फ्यूचर में आता है कि नहीं वो गारंटी तो नहीं है, क्योंकि इसका ठीक है लगातार परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है, इसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट लिस्ट किया। तो एक न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल भी जानेंगे क्या आगे क्या हम लोग को कैसा उसको रणनीति हो सकता है। फ्रेंड्स, ITCON सॉल्यूशन का फाइनेंशियल की पैरामीटर देखिएगा तो आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल जैसे कि 23 करोड़ का एक बहुत छोटा सा कंपनी है, तो एक कुछ नहीं रहा तो 23 करोड़, तो कोई भी एक मैनिपुलेट कर सकता है। एक एक कंपनी में निवेश करने से पहले ये सब बात आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, सबका बस की बात नहीं, सब लोग ऐसा छोटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर मार्केट में गिरावट होगा तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई होता है इसका। लोअर सर्किट अपर सर्किट कॉमन का चीज़ है ऐसा स्टॉक में, वो बात ज़रूर इसको आपको ध्यान दीजिएगा। तो बाकी करंट प्राइस चल रहा है 46 रुपीज़ का, स्टॉक भी है 16 का और इंडस्ट्री भी है 30 का है, तो ROC भी अट्रैक्टिव है 31% का एक ROC है और ROE भी 24% ROE है। इसके लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट किया क्योंकि ROE ROC बहुत ज़बरदस्त है और डेट फ्री कंपनी है। तो वैसा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में आपको ऐसा मिलता है, डेट तो मिलता ही है ज़्यादातर, और जो प्लेज में भी मिलता है, अभी इसमें प्लेज में भी कोई परसेंटेज नहीं है, काफ़ी अच्छा है, और कोई FIS का अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। बाकी क्वार्टरली आप या हाफ ईयरली सेल्स देखे हो तो आप देख सकते हो, तो सितंबर में जो पोस्ट किया 12 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया, जो बाकी लास्ट मार्च में एक पोस्ट किया 12 वो भी एक 12 लगभग 12 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया। जो प्रॉफिट देखे तो मार्च में 0.67 का एक प्रॉफिट पोस्ट किया और ये सितंबर में 0.77 का एक प्रॉफिट पोस्ट किया, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट ईयर FY22 में 18 करोड़ का एक सेल्स था और जो 23 में 28 करोड़ का एक सेल्स हुआ है, तो उसी के चलते अपना EPS में भी 1.73 का एक बढ़ोतरी देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में भी 2.26 करोड़ का एक प्रॉफिट देखने को मिला है। और उसमें सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, या कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ है, सो लास्ट 3 ईयर्स का 50% से एक ग्रो कर रहा है, बाकी प्रॉफिट ग्रोथ है 151%, मैसिव एक ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं है, जो भी है उसका मैन पावर कंसल्टेंसी सर्विस है उसमें उनको परसेंटेज मिलता है। तो बाकी रिजर्व अपना कंपनी के पास बैलेंस शीट देखिए तो आप रिजर्व से कंपनी के पास 7 लगभग 8 करोड़ का एक रिजर्व है, उसके चलते निग्लिजिबल एक वो डेट है, डेट फ्री कंपनी है, ऐसा आपको वो कंपनी बहुत कम मिलेगा आपको माइक्रो कैप या स्मॉल कैप वो कैटेगरी में। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा 59.36 का एक होल्डिंग है और बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास है, 40% पब्लिक के पास है, जो अभी तक DIS और इन FIS का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे जैसे उसका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा उन लोग का भी रडार में आ जाएगा, तब उसके बाद अपने को अपना हाथ में नहीं आएगा ये अपना 46 रुपीज़ का प्राइस में नहीं मिलेगा। फिलहाल तो आप वीकली चार्ट देखिएगा तो ITCON सही सॉल्यूशन लिमिटेड का आप देख सकते हो अराउंड उसका पास 42 रुपीज़ का एक बेस बना हुआ है, तो उसका नीचे नहीं जा रहा है अभी फिलहाल, तो बेस है जरूर जरूर। अभी ये हफ्ते में वीकली चार्ट में देख लिया, आज का ये हफ्ते का लो भी है 42 के आसपास है, अराउंड लगभग 41-40 रुपीज़ के आसपास है एक बेस है उसका। आप अगर ये लेवल पर एंट्री करेंगे तो अभी 41-40 के आसपास उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बाकी हम लोग जो इनिशियल टारगेट होगा ऑल टाइम हाई उसका 55.8 का लगभग है, तो वो इनिशियल टारगेट होगा, वो तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें न्यूज़ फ्लो के चलते अगर मूवमेंट आ गया ना तो उसको पकड़ना मुश्किल है, तो अपर साइड के तो लगना ही है जैसे ही मार्केट खुलेगा। तो ये सब न्यूज़ बेस्ड मूव रहता है लेकिन इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, इसके लिए हम लोग आज एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसका एनालिसिस दे रहे हैं। तो उसको कंसिडर करने से पहले आप जरूर उसको फर्दर रिसर्च कीजिएगा और अपना एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क फैक्टर तो बहुत है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।